नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर ये योजना क्या है और कौन कौन इसके लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, और इस योजना के तहत दोस्तों टोटल जो राशि दी जाती है वो 11,000 रुपये की टोटल राशि दी जाती है। तो कैसे दोस्तों इस योजना का अप्लाई करना है, कौन कौन कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कहाँ पर फिलअप करना है, कैसे ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, पूरा प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ। क्या क्या इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उन पर भी बात करूँगा, और कहाँ पर आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस जरूर करना हूँ। तो इसलिए दोस्तों एक वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू हूँ सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा और भी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों ये खासकर योजना है जो महिलाओं के लिए है, जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, यानी कि गर्भवती महिलाएं या फिर स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ये योजना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि दोस्तों यहाँ पर जो भी उनकी पोषण की सुनिश्चित करना, या उनके गर्भ महिलाएं जो भी गर्भस्थान के दौरान महिलाएं या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो उनके स्वास्थ्य सुधार की सुविधा के लिए दोस्तों ये प्रोत्साहन दिया जाता है, और इसके अधीन पोषण के प्रभाव का कम करना। ठीक है, और गर्भवती महिला जो स्तनपान करा रहे हैं उनके बच्चे की जीविका को देखते हुए ये योजना निकाली गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस दौरान जो है पहली किस्त में आपको जो है पहली तीन किस्तों में आपको जो है 5,000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में। तो आवेदन करने वाली महिला ही होनी चाहिए, और वो भी 19 की होनी चाहिए। ठीक है, 19 की होनी चाहिए, और जो स्तनपान करा रही हो या फिर गर्भावस्था के दौरान हो, यानी कि स्तनपान जैसे कि यहाँ पर 1-1.5 साल का बच्चा है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। तो उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपका जो है योजना जो है वो आपको DBT के माध्यम से लाभार्थी की। DBT क्या होता है? DBT ये होता है कि दोस्तों आपके बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए, और आधार के माध्यम से पैसे डाले जाते हैं, वो आपके खाते में आते हैं। ठीक है, तो आपका जो बैंक खाता है इस योजना के लिए सरकारी बैंक खाता होना चाहिए, जैसे कि आपका ग्रामीण डाक सेवक जो का होता है खाता, वो आपका सरकारी होता है, वो खाता आपका होना चाहिए, और उसमें आपका जो DBT NPCI वो लिंक होना चाहिए, जिससे जो भी सरकारी योजना का लाभ है वो उसी में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि दोस्तों यहाँ पर पहली किस्त में आपको 1,000 रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण की समय दिया जाता है, जब आपका अपना नाम दोहराते हैं तब वहाँ पर आपको फॉर्म पहला अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको 1,000 रुपये दिए गए। दूसरी किस्त में जब आप 2,000 रुपये दिए जाएंगे, तब 6 महीने के बाद उनको कम से कम एक प्रसाव की जब आप जाँच कराते हैं तब दूसरी किस्त आपको 2,000 रुपये की दी जाती है। तीसरी किस्त आपको 2,000 रुपये की फिर से दी जाती है जब बच्चे का नाम पंजीकृत हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है और नाम उसका पंजीकृत हो जाता है तब दिया जाता है। ठीक है, तब आपके तो टोटल यहाँ पर 5,000 रुपये हो चुके हैं, और उसके बाद उसको BCG या OPV, ठीक है, या फिर DPD, और ये होते हैं हेपेटाइटिस के जब टीके का चक्र शुरू होता है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको 6,000 रुपये और दिए जाते हैं। तो आवेदन करने के लिए दोस्तों इसके लिए महिला एलिजिबल हैं, महिलाएं होनी चाहिए, और ये आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर 3 फॉर्म आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो दोस्तों आपको हम अपने टेलीग्राम पर दिखाएंगे, अभी आपको PDF मिल जाएगा, जो कि यहाँ से आप फॉर्म को अच्छी तरीके से GPG में डाउनलोड कर आप प्रिंट करवा सकते हैं, उसको निकलवा करके आप अच्छी तरीके से भर के दोस्तों आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र में ही जमा करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी केंद्र में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पंजीकरण तथा पहली किस्त का दावा करने के लिए सबसे पहले जच्चा बच्चा संरक्षण, आपका काश जो एक कार्ड होता है जच्चा बच्चा का, वो आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, उसके साथ पति के पहचान पत्र का होना चाहिए, उसके बाद लाभार्थी का बैंक खाता वो है वो सरकारी होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसके साथ उस वहाँ पर आपका जो है विधिवत रूप से फॉर्म भरा होना चाहिए, प्रस्तुत फॉर्म A और B, दो यानी कि 3 फॉर्म आपके कुल होने चाहिए, जो कि यहाँ पर तीनों फॉर्म आपको 4-5 फॉर्म मिल जाएंगे। ठीक है, जिनको आपको भरना है। दूसरी किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी जो है गर्भधारण के 6 माह के बाद कम से कम एक प्रसाव कराने पर MSP जो कार्ड बनता है, यानी कि जब आप जांच कराएंगे तो आपके जो जांच के कार्ड बनेंगे, तो उन कार्ड को भी आपको उस फॉर्म में भरना है। पहला A1 होगा, फिर B1 V होगा, फिर उसके बाद उसको फॉर्म दूसरा जब तीसरा भरेंगे तो वह 1C होगा। तो 3 फॉर्म कुछ इस तरीके से होंगे जो कि यहाँ जाँच होंगे, और जो जांच के उनके कार्ड बनेंगे वो उनको यहाँ पर
उसमें फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको पता ही है नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, यही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि आपको लगाना है। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें भर करके आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना है और वहाँ से दोस्तों आपके ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। फिर उसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास जाएंगे बाल विकास की वेबसाइट पर और वहाँ से दोस्तों आपका अप्लाई फॉर्म हो जाएगा। तब उसके बाद दोस्तों आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा आएंगे। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि फॉर्म कैसा होगा, फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर फॉर्म कुछ इस तरीके से होंगे, जो कि यहाँ पर आप देखते हैं काफ़ी साफ साफ लिखा है यहाँ पर, ठीक है। लाभार्थी का नाम, उसके बाद PMYNY अंतर्गत जो भी लाभ है, ठीक है, ये पूरा हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा PDF आपको हमारा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा के भर सकते हैं अच्छी तरीके से। बाकी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना।